नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। जब हम किसी की आराधना करते हैं तो हमें उसका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर दुष्ट संहारिणी माता दुर्गा के चौथे रूप मां कुष्मांडा का विधिवत पूजन करने की परंपरा है। माता दुर्गा के स्वरूप मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रचयिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आइए आज हम आपको माता दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता के पूजन के बारे में जानकारी प्रदान करें। आदिशक्ति आदिस्वरूपा है माता कुष्मांडा। चैत्र नवरात्र के पूजन के चौथे दिन माता कुष्मांडा देवी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों को इस दिन पवित्र मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर उपासना करनी चाहिए। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माता कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड का सृजन किया था। सृष्टि के सृजन के चलते ही माता को आदि स्वरूपा आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में माना जाता है। वहां पर निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल माता कुष्मांडा में ही है। इनके मुख का तेज सूर्य के समान ही है। सिंह पर सवार है अष्टभुजा धारण किए माता कुष्मांडा। सिंह पर सवार माता कुष्मांडा के तेज और प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माता की 8 भुजाएं हैं। अष्टभुजा देवी के नाम से भी पहचान रखने वाली माता के 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माता का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे देवी मां, सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। माता की उपासना से मिटते हैं सभी रोग। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग और दुख मिट जाते हैं। माता की भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माता कुष्मांडा सेवा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनकी शरण में जाता है तो माता भक्त के सभी कष्टों का निवारण करती हैं। खासकर नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ भी कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इसी कारण से भी इन्हें माँ कुष्मांडा कहा जाता है। पूजन। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही हलवा खिलाना चाहिए। इसके बाद फल सूखे मेवे का सामान भेंट करना चाहिए। सो दोस्तों, यह थी माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा के पूजन विधि से जुड़ी जानकारी। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।